भाई आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 और उसका है लेक्चर नंबर 1। अब आपके पास ये नोट्स के अंदर भी देके रखा हुआ है, बरा आज क्या हम लोग करने वाले हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर थोड़ी स्पीड के अंदर वो चीज निपटा दी थी। उसका एक रीजन ये था कि चैप्टर नंबर 1 जो थी ना वो बेसिकली थियरी, अब होता है क्या थियरी कैसी काम करता है वो मैं बताऊंगा। थियरी ऐसी चीज होती है जिसको ज्यादा लंबा खींचो ना तो परेशान करता है। कभी आप घूमने जाओ फॉरेन कंट्रीज के, तो कोई डेवलप कंट्रीज के अंदर जाओगे तो वहां पे वो लोग है ना, सबसे पहले अगर आप टूरिस्ट के तौर पे गए हो तो टूरिस्ट के अंदर वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरते हो ना तो एक गाइड आता है वहां का लोकल है, तो वो गाइड आके ना पहले अपने वो देश की और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर एक दो मिनट तक आपका ध्यान होता है, फिर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतना सारा पत्ता खुल जाए, हमें ऐसा होता है मन ही मन में भाई जल्दी 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 हमने देखा लो, इसलिए हम लोग को रूल्स में ध्यान ही होता नहीं। सेम चीज थियरी को, थियरी को अगर लंबा बहुत खींच लो ना तो बहुत ज्यादा हैरान करेगा। हाँ थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा थियरी को समझने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए, वो टाइम कैसे मिलेगा, अगर आप थियरी के ऊपर ही खाली फोकस करते रहोगे तो आप उतना आगे बढ़ पाओगे नहीं। आपको क्या काम करना पड़ेगा, थियरी के साथ साथ आगे के चैप्टर्स करने। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आगे वाली चीज हार्ड होती जाएगी, पीछे वाली चीज क्या लगने लगेगी, इजी लगने लगेगी। क्लियर है? तो आज जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आप लगेगी, ओके ये भी मजा आ रहा है, वो पीछे वाला भी अब दिमाग में जा रहा है क्या चीज। क्लियर है? चालू करें हम यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे सब लोग आज हम लोग दो चीजें करना, आज आप लोग की दिमाग की भी थोड़ी बहुत जरूरत होगी। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आंसर देते हैं हम लोग, बात कर रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन याद हो तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज हमारी बात हो रही है कि व्हाट आर ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड किसे किया जा सकता है। देखो बिजनेस के अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शन, एक होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक कौन से होते हैं, इकोनॉमिक और दूसरे कौन से होते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और प्लस जिसको मनी में तोला जा सकता है, मनी मेजर। उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, दो चीजें होती है, एक तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा उसको पैसों में तोला जा सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने कि मान लो मैंने ना एक स्टाफ को लिफ्ट दी, भाई सुबह मैं आ रहा था ऑफिस खोलने के टाइम पे, स्टाफ को मैं वो चलते चलते आ रहा था, स्टाफ को मैंने लिफ्ट दे दी। अब स्टाफ को लिफ्ट देने का अगर ट्रांजेक्शन देखो तो वो बेसिकली बिजनेस के लिए थी, मैं उसको जानता क्यों था, क्योंकि मैं बिजनेस में था। और ये अगर स्टाफ टाइम पे आएगा तो यहाँ पे काम भी टाइम पे होगा, तो था तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिमाग तो पूरा पूरा धंधा धंधे के लिए था, कोई दान धर्म दया थी नहीं, खाली ऐसा था कि वो मेरे साथ आ जाए तो काम टाइम पे चालू हो जाए। पर जब मैं उसको लिफ्ट दे रहा हूँ, उसको रास्ते से यूकेआईसी तक लेके आ रहा हूँ, तो उसको मैं पैसों में तोल सकता नहीं। मैंने कितने रुपए की लिफ्ट दी, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, कितने रुपए की। अब आप में से कोई साथ ही दिमागी हो रहा है, सर उबर ने जितने प्राइस लिफ्ट दी, तो उबर की गाड़ी तो किसी और की है, मैंने खुद गाड़ी चलाई, समझो तो मेरा भी कुछ मान सम्मान तो होगा। मैं अपनी गाड़ी में लेके आया, उबर की गाड़ी तो कई बार गंदी भी हो सकती है, अपनी गाड़ी लेके आया साफ सुथरी, तो उसको कैसे मेजर करोगे, कितने रुपए का मैं उनको लिफ्ट दिया, वो नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो बुक्स के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जो इकोनॉमिक है, जो और इकोनॉमिक का मतलब क्या है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है और जिसे पैसों में तोला जा सके, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और जिसे पैसों में तोला जा सके। क्लियर है? इसके अलावा अगर मान लो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है पर मनी मेजरमेंट नहीं, तो वो बन जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वो क्या बन जाता है, नॉन इकोनॉमिक। भाई अगर मान लो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है पर पैसों में तोला जा सकता है, तो फिर भी वो क्या बन जाता है, नॉन इकोनॉमिक। भाई अगर मान लो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं है, पैसों में भी नहीं तोला, तो फिर भी वो क्या बन जाता है, नॉन इकोनॉमिक। तो खाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी चीज होती है, जब दो चीजें इकट्ठी हो जाती है, कौन कौन सी, बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा मनी मेजर। लॉजिक क्लियर? देन अब मैं कहानी करने वाला हूँ, कहानी पे थोड़ा ध्यान,
गौर फरमाना था। तो एक था बिजनेस जिसका नाम था शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर। क्या नाम था उसका? शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर। उसका मालिक का नाम था सी। मालिक का नाम कौन था? क्लियर। और वहां पे एक बंदा काम करता था जिसका नाम था भोला। इसका नाम क्या था? भोला। क्लियर है। अब ये शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर जो है वो सारी चीजें प्रोविजन स्टोर की रखता है। जैसे कि भाई आप मान लो बिस्किट चाहिए, सर्फ एक्सेल चाहिए, जो सारी चीजें वो सारी चीजें वो दुकान में रखता है। अब वो दुकान के अंदर जितनी भी सारी चीजें रखता है ये वो कभी ना कभी माल खरीद के लेके आता हो। तो जो माल खरीद के लेके आया उसको आएगा वो पैसा दे देता हो, या तो उधारी में लेके आता हो, या तो किसमें लेके आता होगा? उधारी के अंदर लेके आता। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नहीं? अगर मान लो उसने 50 सर्फ एक्सेल के पाउच खरीदे, 50 सर्फ एक्सेल के पाउच खरीदे, तो क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नहीं? है। क्लियर है। तो उसने खरीदा वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर है। पैसे देके खरीदा वो। ये बोला जो जॉब कर रहा है यहाँ पे, बोला बेचारा मेहनत कर करके, मेहनत कर करके ये उसको क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। पूरे बिजनेस को क्या दे रहा है? और उसके सामने ये बिजनेस जो है उसको सैलरी दे रहा है। उसको क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। कैश के क्लियर है। इसने सर्विस दी और सामने क्या मिला? सैलरी। तो क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? क्या हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे। तो ये भी वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। हैप्पी। बढ़ू आगे कहानी का। एक दिन बोला आके हमें बोला कि सेठ जी ये महीने मुझे तनख्वाह नहीं, ये महीने मुझे क्या नहीं दिए? तनख्वाह। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी बोला भाई जो कितना वक्त तने खबर पड़ी, क्या घर नु काम थे, घर माटे पैसा लेवा था? तो बोला बोला नहीं ऐसा नहीं सेठ जी, ये बार मुझे ना पैसा मत देना। क्या मत देना? पैसा मत। आप मुझे ना 5 किलो राइस देना और 5 किलो वीट दे देना। 5 किलो क्या दे देना? राइस देना और 5 किलो क्या देना? ये बात हुई। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं? उसने सर्विस दी और हमने पैसों की जगह पे उसको दे दिए गुड्स। उसको क्या दे दिए? गुड्स। तो क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं? हाँ हाँ ओके हाँ, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए था। उसने सर्विस किसको दी थी? बिजनेस को दी थी। उसके सामने उसको कितने रुपए का दिया, उसमें पैसों में तुला जाता। 5 किलो राइस का भाव कितना है वो निकालो, 5 किलो गेहूं का भाव कितना है वो निकालो, प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा मनी मेजरमेंट। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन भी और मनी मेजरमेंट। तो आप कैश के सामने सर्विसेज तो ले ही सकते हो, तो कई बार सर्विसेज के सामने आप गुड्स को भी दे सकते हो। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यहाँ तक क्लियर? डन। अब ये जगह पे ना बहुत गर्मी हो रही थी ये पूरे जगह, तो इन लोगों ने सोचा एक ऐसा कर लेते, एक है ना हम लोग एसी डाल देते। क्या डाल देते? एसी डाल देते। और इन लोगों ने एक एसी डाल दी और एसी वाले को पैसा दे दिया। एसी वाले को क्या दे दिया? पैसा दे दिया और इन लोगों ने एसी ले लिया। तो क्या ये बिजनेस के लिए बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं? है। एसी खरीदना अगेंस्ट कैश इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो वही दिन बीते सालों बीते। बोला भाई एक दिन ना बहुत उदास था, शाम का समय था। सेठ जी ने पूछा भाई तू इतना उदास क्यों है, क्या दिक्कत है तुझे तू इतना उदास है? तो बोला ने उस दिन बोला कि सेठ जी आप तो है ना ये सारे जियो मार्ट, अमेजोन फ्रेश के चक्कर के अंदर, स्विगी और इंस्टा मार्ट के अंदर आप तो क्या कर रहे हो, बोल रहे हो सारे क्लाइंट को फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम। अब लोग धूप में आते नहीं है, एक एक चीज फोन करके मंगवाते हैं। अब जाना होता है दूर दूर, तो मैं चलते जाऊं यहां से, उनको देख के वापस चलता हूं, थक जाऊं।
तो सेठ जी ने बोला इतनी सी दिक्कत, अरे चल मैं तुझे इसका इलाज, कल मुझे सुबह याद। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन किए कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, वन लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एस पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी मेन फोर सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन फोर सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे यूट्यूब वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा। आओ दूसरा दिन सुबह भाई, हमारा ये भोला तो आ चुका था, फटाफट साफ सफाई कर रहा था। सेठ जी थोड़े लेट आए, सेठ जी आए, सेठ जी आके पहले अगरबत्ती अगरबत्ती की, भगवान को सारी चीजें की, और सेठ जी अपना बैठ गया काम में। वहीं पे भोला 2-3 बार आजू बाजू चक्कर लगाने लगा। भोला ने बोला भी सही कि सेठ जी पानी आपको, ठंडो पानी क्या हाल है, ठंडो पानी आप मेरे पास हो रही है, जो आ रहेगा सेठ जी इंसान। सेठ जी के सू थू काले याद करा कि हाँ। अब शिवा ने ना अपने फ्रेंड को फोन किया, शिवा ने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, उस फ्रेंड का नाम था चंदू। फ्रेंड का नाम क्या था? चंदू को फोन लगा तो बातचीत अच्छी की। अरे चंदू, क्या हालचाल है, कैसा है, सब कुछ बढ़िया? तो चंदू बोला हाँ वो सब कुछ बढ़िया, सू थो आटा वक्त पची, मैं खाली गुजराती में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो क्या दिमाग में बैठता है कहानी। आटला वक्त पी फोन सू थो अचानक हमारी याद आएगी, हमारे नाना माणस से जो कि ना ना यार तू नानो जे तू तो यार बहुत मोटो व्यक्ति थी गये, हमारे तो अपॉइंटमेंट लेवी पड़े। तो कि ना ना फ्रेंड्स माटे तू अपॉइंटमेंट लेवानी, गमे जाए हो जाए फोन कर, शू चाले शू नवा चूनी। तो कि नवा चूनी कहीं नहीं, काम वधी गयो छे यार, पहला तो खबर थी कि वच्चे एक टाइम एवो आयो कोई साइकिल में भाव तूटवा, पण हवे तो एवं थी गयु लोग साइकिलो लेवा माटे तलपा पड़ता है। અરે આપણે તો 24 કલાક સર્વિસ આપવા માટે જ બેઠા છે, કોના માટે બેઠા, ગ્રાહક છે તો આપણે છે, તો તે કેવા છે ફોન કર્યો? શિવાન બોલો યાર મારે કામ હતું, કે બોલો બોલો। અબ ચંદુ કેને એક દુકાન जिसका नाम था चंदू साइकिल स्टोर। क्या नाम था उसका? चंदू साइकिल स्टोर। और ये चंदू साइकिल स्टोर्स करके दुकान थी। तो शिवा ने बोला कि चंदू भाई आपड़ा जे पेलो भोला काम करे छे याद छे? तो के हा ओळखो ने पेला भोलिया ने? तो के ई બિચા બહુ થાકી જાય, ભાઈ ડિલિવરી કરવાની હોય ને આપણે તો કેવું જ, આપણે તો યાર કસ્ટમર ને સાચવવા પડે, કસ્ટમર ઇઝ કિંગ, કસ્ટમર ને સાંભળવા સાચવવા, તો એ થાકી જાય તો એક સારામાં સારી સાયકલ
बोला माटे जो ही है तो फिर ठीक है मान लो बोला मोगली तो सांग ना साइकिल आ पाई दो मस्त तो फोन रख दिया दीवाना बोला को बोला भाई तू सांग ना जतो आले चंदू भाई दिया चंदू भाई ने एड्रेस खबर है बोलो के आ खबर है जतो आले ध्यान न सुमर से सुमर से वो गया साइकिल वाइकिल लेके आया सब कुछ है देखा सब कुछ तो उसने जो साइकिल चाहिए थी वो सारी चीजें साइकिल लेके आया ट्रिंग ट्रिंग करके अब भोला की एनर्जी हो गई थी डबल अब वो डिलीवरी करने के लिए दोपहर में भी रेडी हो जा रहा ट्रंक 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 रख गई साइकिल लेके पहुंची जल्दी जल्दी डिलीवरी कर और पता है कई बार आप लोग की लाइफ में अगर पहली बार साइकिल आई हो उस दिन का अगर दिमाग में याद हो ना आपने साइकिल चलाई तो उस दिन में देखना आप गुस्सा के फुहार आखिर घर ना बुद्धा काम करने की इच्छा देखें हूँ कर कहीं पर नहीं मिले हूँ ले तो साइकिल पची अगर मोटा था भाई बांध पड़ गया तो दाव सी क्यों था आपने घर वाला आपने रामू काका समझी ली था पर साइकिल क्या होता है अब बेचारा ये बोला भी क्या था बोला इंसान अब वो साइकिल लेके दब 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 करने लगा ये बात को हो गए कुछ 15-20 दिन ये बात को कितने हो गए 15-20 15-20 दिन हुए तो चंदू का फोन आया सेवा पे क्यों आया तो धंधे के अंदर एक बात बताऊं आप लोग अभी अभी तो जस्ट बड़े हो तो ऑलवेज रिमेम्बर कभी भी फोन करके पेमेंट की डायरेक्ट बात हो सकती तो आपको क्या करना चंदू को जैसा देखो चंदू ने बात की सेवा केम छे मजा मां तो बस बस मजा मजा શું છે બધું બરાબર ધંધા પાણી તો કે બસ જો ભગવાનની કૃપા ઓર્ડર આવે એટલે આપણે ભોલાભાઈ તમે જે સાયકલ મોકલી ટ્રિંગ ટ્રિંગ કરીને જતા જાય બહુ સરસ સાયકલ હોય તો કે ના ના એ તો આપવાની જોઈએ ને યાર તો કે શું થયું આજે ફોન કર્યો અચાનક ચંદુ વિસ્માત ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ નહીં બોલે ચંદુ અરે યાર આ તો અમારે કેવું છે કે દર વખતે અમારે સર્વિસીસ માટે એવું હોય કે ભાઈ દરેક માણસને 15 દિવસ થાય એટલે એકવાર ફોન કરવાનો સાયકલમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને તું પણ હવે જે સાયકલ લીધી અરે મને ખબર છે કે તને કઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય તું ફોન કરી દે મને તારો પ્રોબ્લેમ હતો આપણે કસ્ટમર એટલે કસ્ટમર જો આપણે સર્વિસમાં પાછળ ચૂકવાનું નહીં મેંગલા તને પૂછી લો ભાઈ બધી બરાબર છે સર્વિસીસ કોઈ વાંધો ના અને ખાસ કરીને મારે એ કહેવાનું હતું બોલાને પણ મેં સમજાવ્યો હતો હું તને પણ કહી રહ્યા ભાઈ આપણી ત્યાં છે ને 3 સર્વિસ ફ્રી છે બરાબર છે દર 3-3 મહિના મોકલી દેજે એટલે સર્વિસ થઈ જાય અને કે જે હવા હવા બરાબર પૂરતો રહે કોઈ જગ્યાએ વાંધો આવે નહીં અને પાણી લગાડે તો તરત જોઈ કાઢે નહીં તો લાંબી ચાલે નહીં પાણી મૂકી રાખશે તો કટાઈ જશે એટલે આ બધી વસ્તુ મેં એને સમજાવી છે પણ તને હું કહી રાખું ઓઇલ કરે તો મેં ઓઇલ ની એક બોટલ આપી છે 9000 નું ઓઇલ આપી ચીકણું નથી ઈ ઓઇલ થી કરશે તો સ્ક્રબ થશે નહીં ચેઇન પરફેક્ટ રહેશે ચેઇન ઉતરશે કે સારું 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 તે મને કહી દીધું ને ચલ ચલ હવે પાક્કું આ કરી દઉં બીજું બોલો શું છે કે બીજું તો કાંઈ નહીં તો કે સારું ચલ પછી વાત કરીએ તો કે હા ચલ ચલ પછી વાત હજી ફોન ઉપર અરે 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 એક જ મિનિટ એક મિનિટ સેવા તું છે ફોન ઉપર તો કે હા બોલે શું અરે આ કાંઈ નહીં આ જો સામે આવેલા અમારા આયા મહેતા સાહેબ આયા મહેતા સાહેબ અમારે એવા પાછા ચોપડો લઈને આવી જે મને નવરો જોવા નથી નહીં મને ક્યાં કે ફોન થાય પૂછી લો કે ભાઈ શેઠ સેવા શેઠ પેમેન્ટ કઈ રીતે આપવાના છે કેશથી આપવાના કે ચેકથી તો લગતા ભાવ See the style. Last moment पे जाके उसने किसकी बात की? Payment. तो क्या भाई तू कहीं इतना आपका ना जाना कहीं जाने UPI करवा तो UPI कहीं जो आप मेहता पर माँ मगर नू दही करी दे जा आपको दियो तो आओ नहीं नहीं साबित नहीं आई थे मतलब चंदू को पैसे की जरूरत है नहीं ये तो मेहता बोलता है कौन बोल रहा है मेहता बोलता है मेहता मतलब पहले के जमाने में मेहता वॉज अकाउंट मेहता वॉज
और बैठे हुए चाय की चुस्की लगा रहे थे, उसमें बजती है घंटी, और घंटी बजती हमने पूछा कौन, तो वहां से आवाज आया थोड़ी जानी पहचानी, और वो था हमारा सुरेश। वो कौन था हमारा सुरेश, और सुरेश का फोन है। हमने बोला अरे अरे सुरेश सेठ केम जो आज तो सो क्या थी सूरज हुई को तुम हमने फोन करो, तो ना ना यार आ तो घना वक्त की बात होती थी એટલે વાત કરવાની ઈચ્છા હતી, તો મેં લા વાત કરી લો કઈ રીત મુજે શું છે, તો કે બસ બસ જો ભગવાન ની દયા આપણે બધું ચાલે ધંધો પાણી ચાલ્યા કરે, બસ તમા જેટલો નહી અમા તો પાછું યાર કોમ્પિટિશન બહુ ને અમદાવાદ ની અંદર, તો કે સારું છે ને અમા જેવું નથી, અમા જેવું તો ભગવાન ને અમે પ્રાર્થના કરતા હોય કે અમા જેવું કોઈ આવે જ નહીં, શું ખબર કેટલું ટેન્શન વાળું કામકાજ રહે છે ને શું રહે છે, શું છે ભાઈ અત્યારે ગરમી વરમી કેવી, તો અમદાવાદ આપણે અરે બાપા રે ગરમી ની વાત જવા દો, ગાભા નીકળી જાય બપોર ના, તો કઈ રીતે ધંધો થાય ને અમને ખબર પડે છે ભાઈ, બહુ ગરમી, વરસાદ પડે તો અમને થોડી, તો કે બોલો બોલો બીજું બધું શું ચાલે છે, બધું બરાબર ઘરે બધા મજામાં, તો કે બસ બધા મજામાં, સારું સારું બોલો બોલો શું કામ હતું, સુરેશ ને બોલા કે ભાઈ પેલું એક પેમેન્ટ બાકી છે 5 તારીખે આપવાનું હતું, કયું પેમેન્ટ ના બને, તો કે આ 50,000 રૂપિયા તમારે આપવાના બાકી છે, આપણા ઉપર બને નહીં 50,000 આપવાનું બાકી, 5મી તારીખે આજે કે આજે તો 10 તારીખ થઈ ગઈ, સુરેશ કે તું એમને તો ફોન કરું નહીં ને બાકી હોય, એક જ મિનિટ ચાલો આ જો, એટલે અમને એમ છોટું બોલાય, છોટું આઈ છોટું ના બોલ છોટું, સુરેશ ભાઈ નો ફોન છે પેલું પૈસા બાકી જેવું કે છે બાકી આપે, છોટું કે એક જ મિનિટ ચાલો, ઉસને અપને બુક નિકાલ પરને બંને ઘુમા, ઓર ઉસને ઉસને ઓર ઉસને જબ દેખા સહી મેં 5 તારીખ કો પૈસા, પેલો છોટું કે ગાંડી ના પાન નથી પડી તને બાકી છે ના અમારા ને શું જવાબ, તો બોલા અરે સુરેશ ભાઈ હા 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 મેં જોયું પેલા છોટું જોયું, હા આપણા પેલા બાકી છે ને રૂપિયા 50,000, તો કે હા 50,000 જેવા બાકી છે, જો મત બધા ને કીધી અમારે 50 બોલી હતી પહેલા, મને કીધી બોલી 50 બાકી છે, હા 50 બાકી, અરે 50 બાકી ચલો ચલો નેક્સ્ટ મંથ કરાવી દઉં, તો સુરેશ કે નેક્સ્ટ મંથ નહીં મારે તો જોઈએ 2 દિવસ, અરે સુરેશ ભાઈ આટલા વર્ષો ધંધો કરીએ કોઈ ભાગી ગયો, વિશ્વાસ રાખો હવે નેક્સ્ટ મહિને મળી જશે હવે યાર નાની મોટી અમાઉન્ટ, તો સુરેશ ને બોલા ભાઈ તારા માટે નાની મોટી હશે ભાઈ, મારા માટે તો 5 રૂપિયા પણ મોટા છે, મને પૈસા જોઈએ ગમે તે થાય પૈસા, પણ આપી દઉં છું ભલા માણસ ક્યાં ના પાડું, મેં ના પાડી તમને, તો કે 2 દિવસ નો સમય, 2 દિવસ, તો કે સાહેબ 2 દિવસ નો ક્યાંથી થાય, મારે પણ વ્યવસ્થા કરવાની થાય, તો કે તારો પ્રોબ્લેમ છે વ્યવસ્થા કરવાની, મને લોકો પહેલેથી કહેતા હતા કે અમદાવાદ જોડે કોઈ ધંધો કરાય નહીં, આજુ તે તારો અસલી
પાંચ પાસે તો મુકેશ અંબાણી જેવા હોય તે ફ્રી જોઈ લગ્ન કર કરે ગમે જાય ના છોકરા એવું હોય. આપણે ક્યાં વાંચીએ? આપણે તો ઘરે ખબર જ નથી બાળક કયા ધોરણમાં ભણે છે. એવું છે કે ના ના તો ધંધા કરીએ એટલે આવું જ થતું છે. કે ના નંદુ હવે તમે ફોન કર્યો છે તો બીજી એક વસ્તુ એવી હતી કે પેલા જે પૈસા જે હતા ને તો નંદુ કે અરે હા હું ફોન કરવાનો છું તમને પૈસા માટે. નંદુ ક્યારે આપવા હતું? ના ના આપવા માટે નહીં, આ વખતે થોડોક લોચો છે પૈસા. લોચો એટલે શું લોચો છે? આ વખતે સાહેબ એવું છે કે હું તમને આટલા વખતથી તો રેગ્યુલર પેમેન્ટ કરી દઉં છું, આપણે 12 તારીખે પેમેન્ટ હોય. આ વખતે એવું છે 12 તારીખે પેમેન્ટ થાય શાળાના લગ્ન છે એટલે સુરત જવાનું છે, હવે આ વખતે પોસિબલ થાય એવું નથી. હવે હું ડાયરેક્ટ સુરત જતો, ક્યાં અમદાવાદ આવો સુરત જતો રહ્યો ને આ વસ્તુ છે. તો હું તમને 20-25 તારીખ સુધીમાં પેમેન્ટ પૂરતું કરીશ. 20-25 ના ચાલે ભાઈ, તારીખ 12 તારીખ એટલે 12 તારીખ હોય ભાઈ, તું આવું થોડું હોય શકે. પણ નથી થાય એવું યાર આ વખતે. તમે અમિતભાઈ તમે તો સમજો યાર, મારે શાળાના લગ્ન, હું ત્યાં જઉં કે અહીંયા આવું ના. શાળાના લગ્નના મતલબ હોતા હોય ઉસકી જો વાઇફ હૈ ના નંદુ કી વાઇફ, ઉસકે ભાઈ ક્લિયર હૈ, ઉસકે ભાઈ કી સાથે આવું છું. અમિતભાઈ બોલે ના ના થાય ગમે તે થાય ભાઈ, પૈસા પૈસા ટાઈમ કરવો છે. મને તો લોકો કહેતા હતા નડિયા નોળા જોડે ધંધો જ ના કરાય યાર, આવા નવા લોકો રંગ રૂપ દેખાવા ચાલુ કરી દીધા ને. આ જ વસ્તુ છે, તારે ધંધો કરતા ના આવડતો તો બંધ કરી દેવાય ધંધો તારે. જીતું ઉસને હમે સુનાય, જીતના તો હમ ઉસકો સુનાય કે અબ પૈસા દે નહીં રહા વો સાલા, યે તો લોચા હોગી. થોડી દેર કે બાદ અમિત કીધી ધમાકી બધી વો ના નહીં બોલે પૈસા વો બોલે વો અમદાવાદ આ સત્તા તું ચોખ્ખું બોલતો જ નથી ફોન ઉપર, તારો પ્રોબ્લેમ હજી છે ભાઈ. ખાલી હું માથે નાટું કેવું પડ્યું. હવે બીજી બધી વાત છોડી દે. શું છે શાળા લગ્ન ક્યારે છે? તો કે બસ કાલે અમે લોકો નીકળીએ છીએ શાળા લગ્ન, કાલે અમે સુરત પહોંચી જશું. આ રીતનું છે શાળા લગ્ન તો 14-15 તારીખે. તો મેં કીધું તું તું કેમ આટલો વહેલો જાય? કામકાજ હોય તો જવું પડે. ના એ વાત સાચી થઈ, કામકાજ હોય તો જવું જ પડે. તું મને કે અમદાવાદથી શું કામ? અમદાવાદનું આ બધું પૈસા પૈસા ના છોડી દે, ચલો પૈસા આપણે ભૂલી જઈએ. પાક્કું છે ને, જો જોતું હોય તો હું આવી જાઉં સુરત. તું કેતો હોય તો કે ના ના કઈ જરૂર બરાબર વાંધો વાંધો. તું જ્યાં ભી શાળા લગ્ન બધા શાળા વાળા જોડે તો સંબંધ પહેલા રાખવાના, નહીં તો ગૈરાવ કાઢી મૂકે આપણને ઘરની બહાર. તું યાર આવી ધંધો બધો તૈયાર રાખે તો કે એટલે તો તમને અરે સમજી ગયો ભાઈ એટલે એટલે કરે. એક તો તને ફોન પર વાત કરતા નથી સારું, ચલ વાંધો નહીં ફોન રખને. અરે તું સુરત જાય છે? તો કે આ કીધું સુરત. અરે તો સુરત જાય છે તો એક નાનકડું કામ કરી દઈશ મારું, હવે તો મારા સુરત નો ધક્કો બચ્યા. તો કે શું થયું? અરે મારા એક બહુ સારા મિત્ર સુરેશભાઈ કહે, એને રૂપિયા આપવાના છે, મારે અહીંયા જવું પડે છે. તું એવું કરીશ તું આપી દઈશ. તારે કેટલા મને આપવાના? તું કેટલા પહોંચાડે? કે 50 આપવાના. તું એવું કરજે પાંચ તારીખ પાસે 60 લેવાના છે. તું એવું કર 60 અત્યારે 10 લેવા દે. તો 50,000 રૂપિયા જે છે ને એ તું ડાયરેક્ટલી સુરેશ ને 50,000 રૂપિયા કોને આપી દેજે? તું ડાયરેક્ટલી કોને આપી દેજે? સુરેશ ને આપી દેજે. ત્યાં હું એડ્રેસ વેડ્રેસ વોટ્સએપ કરી દઉં, તું એને આપી દેજે. એટલે કે મારે બીજા એક મિત્ર ને જરૂરત હતી, ક્યાંનો મને ફોન કરતો સવારથી પૈસા પૈસા. મેં કીધું આખું ભલા માણસ હું મારા ખિસ્સામાંથી આવું કે તારા ખિસ્સામાંથી જાય તો આપણે બધો હિસાબ પણ પતી જાય, વાંધો નહીં. તું આપી કે હા આપી દઈશ ને, તમે મોકલો કાલે કાલે પેમેન્ટ કરી દેજે. કાલે પેમેન્ટ કે હા થઈ જશે. ચાલો તું પણ કંઈ કામકાજ હોય તો અમદાવાદ કે છે આપણે અમદાવાદમાં પહેલાં તો કામ હો પછી બીજો બધો ધંધો પછી. ચાલ ભાઈ ભાઈ ભાઈ.
अब यहाँ पे पूरे पिक्चर में पैसे हमें नंदू से लेने थे और हमें किसे दे देते सुरेश हुआ यूं नंदू ने डायरेक्टली पैसा किसे दे दिया सुरेश तो क्या ये ट्रांजेक्शन जो 50,000 नंदू से सुरेश के पास गया क्या हमारी बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा या नहीं तो ऑलवेज रिमेम्बर इसको ये भी एक ये भी एक बोले पैसे डायरेक्टली यहाँ से वहां पे पैसे डायरेक्टली यहाँ से वहां पर पैसों का फ्लो जो है ना वो तो हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड ऐसे करेंगे कि नंदू ने पहले अमित को दी और अमित ने किसको दी है हमारी बुक्स में रिकॉर्ड तो इसी तरीके से बोले पैसा डायरेक्टली गया बोले पैसा क्लियर है ये भी वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक अहियां सो इवन के डाउट है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो अब मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ कैश के सामने आप गुड्स ले सकते हो सर्विसेज ले सकते हो एसेट ले सकते हो उधारी भी ले सकते हो गुड्स के सामने आप एसेट और सर्विसेज ले सकते हो मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया गुड्स के सामने साइकिल ली थी हमने और गुड्स के सामने वो भोला ने बोला था एक महीने पगार मत देना क्लियर और डेब्ट के सामने डेब्ट के सामने डेब्ट मतलब किसी की टोपी उसके सर पे हमने कर दी इसकी टोपी उसके सर मैं नंदू बोल रहा तू जा सुरेश को देख जिसको हमें पैसा दिया और हमने उल्टा किया तो ये सारे कौन से इकोनॉमिक ये सारे कौन से इकोनॉमिक अब हम लोग कुछ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के मैं यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ 1-9 आपके नोट्स के अंदर भी 1-9 और जिसके पास नोट्स नहीं है वो यहाँ पे मैंने देख के रखा क्लियर है अब जिसके पास नोट्स नहीं है वो लोग अपनी नोटबुक के अंदर इधर 1-2-3-4 करके 1-2-3-4-5-6-7-8-9 लिख दो खाली पॉइंट्स और उसके बाजू में पेंसिल्स अगर नोट्स में लिख रहे हो तो पेंसिल्स है नोटबुक में लिख रहे हो तो जिससे लिखना चाहो उससे क्लियर पेंसिल से सेंटेंस को पढ़ो और मुझे ये बताओ वेदर इट इज ए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वेदर इट इज ए नॉन इकोनॉमिक आपके बाजू में पढ़ के ये समझना है क्या ये इकोनॉमिक है क्या ये नॉन इकोनॉमिक आपको जो समझना है इसका कोई सही आंसर का गलत का कोई मतलब नहीं है मुझे आपकी थिंकिंग देखनी क्लियर है सबसे पहले सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1000 तो ये तो बिजनेस भी हुआ और पैसे भी दिए हुए मतलब कितने रुपए है तो ये होता था इकोनॉमिक ये कौन सा ट्रांजेक्शन है स्पेंड रुपीज 4 इनवाइटिंग ए फ्रेंड टू अ डिनर इससे कोई बिजनेस को फायदा होने वाला नहीं तो ये बन जाता है नॉन इकोनॉमिक अ गिफ्ट ऑफ 10,000 गिवन टू द डॉटर ऑन हर मैरिज क्या ये बिजनेस की डॉटर थी या ओनर थी तो ये बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक शॉप रेंट पेड रुपीज 2000 शॉप रेंट मतलब दुकान का भाड़ा वो तो बिजनेस के लिए दिया होगा तो ये बन जाता है इकोनॉमिक An expense of rupees 500 incurred on the occasion of Satya Narayan Patra. अब यहाँ पे ना इसके दो रास्ते इसको आप इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं इसको आप नॉन इकोनॉमिक भी बोल सकते सर नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक कैसे अगर वो शॉप में किए तो वो इकोनॉमिक बन जाता है अगर वो घर पे किए तो क्या बन जाता है सर हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग को पूछे तो हमें कैसे पता है वो शॉप में किया है नहीं तो ऑलवेज अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये कभी भी आता है तो वो इकोनॉमिक होगा तभी लिखा वरना पंचायत लिखते नहीं मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊं पर आज सुबह मैंने कॉलगेट नहीं दी घर पे और मैंने पेप्सोडेंट से ब्रश किया ऐसा कभी आके लेक्चर में बोलूं दैट इज नॉट रेलेवेंट तो बिजनेस के बुक्स में वही चीज होगी जो रेलेवेंट होगी किधर ना क्लियर है चलो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मंथन ऑन क्रेडिट ये भी इकोनॉमिक received commission ye bhi economic kyunki dhande ke andar commission bhi milta hai expense incurred during running the cattle camp during the drought period again economic as well as non but iske andar majorly agar teacher aapke to bole ki bhi yaar economic che to maine pehle hi bola tha 11th ke jo school teacher bole wo sahi clear hai jo school teacher bole wo sahi main bolu wo ho sakta hai isko normally main non economic main kya sare accounts wale नॉन इकोनॉमिक में ही ने क्लियर है क्योंकि अगर ऐसा बोला बिजनेस हैज पेड फॉर द कैटल कैंप तो वो इकोनॉमिक में जाता कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ये वापस से इकोनॉमिक है क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर बहुत बार बैंक से पैसा लेना भी पड़ता है बैंक में पैसा जमा भी करवाना क्लियर है तो लॉजिक क्लियर अब इसके अंदर जो भी सही गलत हुए मैं आप लोग को ह्यूमिलेट नहीं करूंगा क्लास के बीच में पूछ के भी यहां सु साचो सु खोटू बना के रखा अगर सही हुए सारे सारे गुड नहीं हुए तो टेंशन मत ले तो इसका इतना ज्यादा कोई बड़ा भार ताज है नहीं धीरे धीरे खुद ही समझता हूँ ये सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज थी यहाँ तक किसी को डाउट है अब हम लोग जाते हैं कि भाई अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक
तो ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के ट्रांजेक्शन के तीन प्रकार, एक होता है आइदर वो कैश ट्रांजेक्शन, आइदर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आइदर वो स्पेशल ट्रांजेक्शन। आइदर वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, स्पेशल ट्रांजेक्शन। क्लियर है, ये तीन में से कोई एक हो सकता है। तो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक वो तो आपने पहचान लिया, अब उसके बाद कहानी आती है वेदर इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन वेदर इट इज अ क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जो ट्रांजेक्शन के अंदर आपको पैसा मिल चुका है या तो आपने पैसा दे चुका है। क्रेडिट मतलब जो काम उधारी में, जो काम क्या कर गया उधर। मैं कुछ यहाँ पे चार एग्जांपल लिख रहा हूँ, मुझे ये बताना आपको क्या है। अरे सोच के रखना, अभी बताना भी मत। यहाँ पे चार ट्रांजेक्शन लिखे, इस चार ट्रांजेक्शन के अंदर पहला आपको क्या लगता है वो कैश ट्रांजेक्शन है, दूसरा में क्या लगता है कैसे है क्रेडिट, तीसरा में क्या लगता है चौथे में है, वो आपको कुछ सोचना है। पहला ट्रांजेक्शन क्या लगता है, कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या, कैश। तीसरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट, और चौथा क्रेडिट स्पेशल चेंज स्पेशल ही अतर आउट से बनने ये क्रेडिट और ये कैश। सर ऐसा क्यों, अब इसका एक लॉजिक है। अगर मान लो आपने कभी भी किसी का पैसा बाकी रखा और बोला कल मैं आके दे जाऊंगा, और अगर वो आपको जानता नहीं और भरोसा भी रखे कि आप कल आके दे जाओगे, तो वो आपसे सबसे पहले क्या चीज पूछेगा, आपका नाम। अगर ये आके मुझे ये बोले कि सर वो काले पैसा आप दीजिए, सर मैंने उड़क तो ना दी, तो भाई तू छे कौन, माने तो नाम तो याद रखोगे। जब कभी उधारी होता है उससे ना नाम याद रखना जरूर। आपको कभी पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल भरते हुए आपका नाम पूछा, क्यों, क्योंकि आप उसको पैसा, अगर आपने पैसा दे दिया तो नाम याद रखने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000, नाम क्यों नहीं याद रखा होगा, क्योंकि पैसा मिल चुका है। अगर पैसा नहीं मिला होता तो हम लोग नाम लिखते, जैसे यहाँ पर परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000 फ्रॉम, तो सर हमें कैसे इतने स्मार्ट बन सकते। तो मैंने एक मंत्र दिया, मंत्र यहाँ पे लिखते, ऑलवेज रिमेम्बर ये मंत्र है। आपको पूरे सेंटेंस के अंदर से क्या चेक करना, क्या CASL लिखा हुआ है, क्या CASL लिखा हुआ है, क्या उसके अंदर पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम मतलब राम श्याम राजू रमेश जो भी कुछ नाम है वो दिया। अगर ये दोनों चीजें दिए तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन। अगर खाली कैश दिया और नाम न दिया तो फिर भी कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश भी नहीं दिया पार्टी का नाम भी नहीं दिया तो फिर भी कौन सा ट्रांजेक्शन है, पर कैश नहीं दिया पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, वो क्या बन जाता है। क्लियर है, ये लॉजिक याद है, क्या याद है, अगर CASL दिया है और पार्टी का नाम दिया है, वो दो चीजें क्वेश्चन पूछो, उसके यस नो के ऊपर से आपको बाजू में मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, बाजू में मिल जाएगा। हर एक बेंच पे एक नोट से ऐसा है। और इसके अलावा ऑलवेज रिमेम्बर, अगर रिसीव्ड और पेड आए तो वो कैश ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड और पेड आए तो क्या होता है कैश, बट रिसीव्ड ऑर्डर या तो रिसीव्ड फ्री सैंपल्स आए तो वो किस में तब्दील हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक। तो हमारा रूल क्लियर दिखे, CASL जो है पार्टी का नाम दिया, पर जो ये बनने पहला रिसीव्ड के पेड वाला रिसीव्ड के तो कैश ट्रांजेक्शन, पण रिसीव्ड मां पाछो उभारी जवा सु लगो, रिसीव्ड ऑर्डर के रिसीव्ड फ्री सैंपल से तो पाछो ही समा जतो रहे से नॉन, वो किस में चला जाएगा नॉन। लॉजिक क्लियर, देन अब मैं सम करवा रहा हूं इसका थोड़ा और क्लियर होगा, ध्यान यहां पे रख। मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूं कि पहले 5-7 आपके सही हो, पहले 5-7 मैं जो करवाऊं उस पे ध्यान दें, क्लियर है, ज्यादा आगे मत जाओ। और दिस इज द बेस, अब ये बेस चालू, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 अखा सेंटेंस मां सो CASL वो वर्ड लिखे लो, अखा सेंटेंस में मानस नु नाम आपेलो के पार्टी नु नाम बनने नो नो बनने नो नो छे तो ई सु आवे टेबल मां, ये ट्रांजेक्शन कौन सा, सोल गुड्स ऑफ रुपीज 1800 फॉर कैश, CASL आपेलो जो कोई जगह, हां पार्टी नु नाम आपेलो छे ना, तो कैश आपेलो ने पार्टी नु नाम नथी आपेलो, एवो केवो वस्तु, वापिस से करवा
purchase goods of rupees 3500 from Sudha. Okay. CSA आपने लोग कोई दिखे? हाँ. Party नाम आपने लोग हैं? हाँ. Cash नहीं आपने लोग party नाम नहीं आपको. तो कब transaction था सर? नहीं credit transaction. मेरे साथ मत लिखा करो. Sold goods of rupees 4500 to Amrish. Sold goods of rupees 4500 to Amrish. Clear done. CSA क्या पहलू है? पार्टी नाम आप पहलू है? हाँ आप पहलू है. अमरीश तो सोते जैसे हैं. Paid rent of rupees 1000 to owner of it. Words were. Paid आवे तो हमें ससु है. हम बुद्धि नहीं. Received आवे payment मारे भारी. हम तो cash है पर received order के received free samples होते हैं नॉन इका. तो यहाँ received purchase chair of rupees 1500 from Swaminarayan Furniture Mart. Okay. CSA chapter to say? Party name aap pehlu say? To say party. Swaminarayan Furniture. Swaminarayan Furniture. To naam se? Swaminarayan Furniture. Received. Hello, Bharat. Have you done? Received order लखेल ना, received free samples लखेल ना, तो received सो असा हमें था cash. Purchase goods of rupees 1000 for cash. Sold goods of rupees 1000, CSA चापे लुछ? ना, party नाम आपे लुछ? तो सुधर सो cash. Happy? अब वो बड़ी कई वस्तु जाए. अब मैं कुछ transaction आप लोग की. आप लोग की बुक के अंदर 11 से 23 पॉइंट लिख देना जो लोग नोटबुक में लिख रहे हो और जो लोग यहाँ पे कर रहे हो पेन से मत करना पेंसिल से इसके बाद चलो क्लियर है फटाफट. अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो ये तो कैश है. सोल्ड गुड्स टू राजेश तो ये क्रेडिट है क्योंकि पार्टी का ही नाम दिया हुआ है राजेश का. परचेज गुड्स फ्रॉम मलिका वापिस से क्रेडिट है क्योंकि पार्टी का ही नाम है. परचेज गुड्स फ्रॉम अमेरिका फॉर कैश तो ये कैश है. सोल्ड गुड्स ऑन कैश तो कैश है. Received और free samples है तो ये non economic transaction. Paid word आवे तो हमेशा cash है. Purchase goods for cash तो ये तो cash ही है. Purchase goods for cash ही है. Sold goods तो वापस से credit क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टियाँ. Sold goods for rupees 400 कुछ भी ले लिया तो cash है. Paid के अंदर directly क्या बन जाएगा? Cash. Purchase goods from Iceland store. Purchase goods from Iceland store. तो ये है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. देन कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लियर? चलो सारे के सारे अभी इस पेज पे सही हुए ऐसा कि नहीं? गुड. जरा एक पेपर खोटा था यानी खाली मिस्टेक क्या था? सी 11th के अंदर है ना खाली अपनी गलतियां जो हो रही हैं उसकी एक डायरी बना. उस गलतियां ना हो दोबारा वो चेक कर. Most of the time I have seen that the people who are way more smarter, they are not able to score good marks. इस smart बंदे को ऐसा होता है उसका एक अभिमान नहीं है कि मैं मन तो बोलूँ आवडे अच्छा नहीं मानता उसे एक बार भूल देगी और थोड़ी अगर आपको याद ही नहीं है गलती कहाँ पे हो रही है तो आप सुधारोगे भी कैसे? मन नहीं बात clear है कोई doubt है यहाँ तक? पक्का समझ गए यहाँ पे? तो आज का सेशन यहाँ तक रखें. क्लियर है? तो आज आप लोग ने क्या क्या चीजें सीखी? दो चीजें सीखी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक और दूसरा कौन सा सीखा? कैश और क्रेडिट. अब छुट्टी बुट्टी मत रख देना क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंट सेशंस के ऊपर जा रहे धीरे धीरे. इसके नीचे कुछ मैंने होमवर्क वोमवर्क लिखा है इसके पीछे क्या दिया? लेक्चर वन होमवर्क दिया हुआ है. 18 क्वेश्चन के बाद में कैश और क्रेडिट खाली लिख के आना. क्लियर है? घर से उतना लिख के आना. चलो बाय बाय.